नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर के लिए एक नया टॉपिक शेड्यूल किया गया है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टीटी और सीटेट के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा के संदर्भ में। ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे समय से बीएड और बीटीसी की डिग्री धारण किए हुए थे और एक परीक्षा के माध्यम से अपने भाग्य को आजमाना चाह रहे थे, उनके लिए एक अवसर आया हुआ है और उस अवसर के माध्यम से वे अपने भाग्य को स्वर्णिम और उज्ज्वल बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से जो है परीक्षाओं के डेट इत्यादि निर्धारित किए गए हैं और किस तरीके से उनको अपनी रणनीतियों को अंजाम देना चाहिए, जिससे वह न केवल परीक्षा को बल्कि इसके लिए आयोजित होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा को भी पूरी तरीके से सफल बना सकते हैं। तो इसके संदर्भ में शासन के द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी को फरवरी माह में यानी कि फरवरी 21 में परीक्षा कराने के लिए समय दिया गया था, जिस पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा निर्णय लिया गया है कि वह फरवरी में 28 तारीख को उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। और इसके पूर्व में आपको पहले से ही पता है कि 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये ऐसे अवसर हैं जिसमें बीएड और बीटीसी की डिग्री धारण करने वाले लोग अपने भाग्य को आजमाने के लिए उसके पहले चरण को पार कर सकते हैं एक बेहतर तैयारी करने के साथ। तो ये आप लोगों के लिए आगामी भर्ती होने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के पूर्व में अध्यापक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर और सही दिशा में करने का प्रयास कीजिए, ताकि उसके बाद आगामी आयोजित होने वाली भर्ती की परीक्षाओं में आप अपने भाग्य को आजमा सकें, अपने भाग्य को, अपने जीवन को उज्ज्वल और स्वर्णिम बना सकें। तो डेट के संदर्भ में 28 फरवरी और 31 जनवरी ये दो डेट आप लोगों के समक्ष हैं। अब आप आज से इस डेट का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके पास कितने समय हैं और आप अपने परीक्षा की तैयारी किन रणनीतियों के आधार पर करना चाहते हैं और उन रणनीतियों को अंजाम देने के लिए आज से ही अपने एग्जाम की तैयारी के लिए जुट जाइए, क्योंकि आपके पास जो समय है वो कम नहीं है, लेकिन समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। समय जो है वो परीक्षा के लिए पर्याप्त है, लेकिन समय इतना ज्यादा नहीं है कि उसको दुरुपयोग किया जा सके। ऐसी स्थिति में आज से ही उठ जाइए और अपने परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम लग जाइए, लेकिन आपको लगना है स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं इस पात्रता परीक्षा में। तो हम आगामी बिंदु जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है वह है रणनीति, कि इसमें किस तरीके से रणनीतियों को अंजाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम उन विषयों का चयन करते हैं जो आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। आपके लिए 5 विषय निर्धारित किए गए हैं। इसमें पहला है हिंदी, दूसरा विषय आपका संस्कृत या अंग्रेजी, दोनों में से कोई भी एक विषय लिया जा सकता है। तीसरा विषय पर्यावरण है। चौथा बाल मनोविज्ञान। हो सकता है आपको किताबों में इससे अलग क्रम से आपको इन विषयों का उल्लेख मिल सकता है, परंतु यहां पर हम एक स्ट्रेटजी के तहत ही इन विषयों का उल्लेख कर रहे हैं, जो कि आपको रणनीतियों के हिस्सा के रूप में देखने को मिलेगा। इन 5 विषयों को प्रारंभिक स्तर की जो पात्रता परीक्षा आयोजित हो रही है उनमें इन विषयों का अध्ययन आपको करना है। हिंदी सभी विषयों से 30 के गुणक में जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरीके से टोटल आपके पास 150 सवाल होंगे जिसे आपको हल करने होंगे और आपके लिए 90 मार्क्स कट ऑफ निर्धारित किया गया है। हालांकि कुछ वर्गों के लिए इसमें छूट दी गई है और 82 अंक भी निर्धारित किए गए हैं, परंतु आपको इन कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है, आपको अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने हैं, क्योंकि इस पर तैयारी की गई विषय वस्तु न केवल पात्रता परीक्षा में बल्कि आपके सहायक अध्यापक के लिए आयोजित होने वाले मुख्य परीक्षा में भी समान रूप से उपयोगी होगी, पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगी और वहां पर प्राप्त किए गए मार्क्स आपके अंतिम रूप से शिक्षक बनने के लिए निर्धारित होने वाली मेरिट का भी निर्धारण करती है। इसलिए इन विषयों का बहुत ही बेहतर ढंग से आपको तैयारी करना है। तो आप ये समझिए कि आप
आपको इन रणनीतियों के रूप में इन तीनों विषयों का, हिंदी, संस्कृत और पर्यावरण, अगर आपने पिछले कई सालों की परीक्षा प्रश्न पत्रों का आप मूल्यांकन करेंगे तो ये पाएंगे कि ये तीनों ही विषय से काफी सरल सवाल पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा ऐसा सब्जेक्ट होगा जो बेसिकली आपके पसंद का होगा, तो निश्चित तौर पर इसमें आप अच्छे मार्क्स कर पाएंगे और आपको करना भी चाहिए। तो इस तरीके से दूसरा जो विषय है वो भी निश्चित तौर पर आपके अनुकूल होता है। पर्यावरण बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास जो भी बेसिक मटेरियल है उसको तैयार करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र अब तक आए हैं वहां से आपके आए हुए क्वेश्चंस को तैयार करना होगा, क्योंकि कई बार यहाँ पूछे गए सवाल रिपीट होते हैं या उससे मिलते जुलते सवाल आते हैं, इसलिए इस सेक्शन से विशेष रूप से, बाकी आपको सभी सेक्शंस में इस तरीके के स्ट्रेटजी का जो है अनुपालन करना होगा, लेकिन इस सेक्शन के लिए विशेष रूप से आप व्याख्या सहित उन क्वेश्चंस के आंसर की विशेष रूप से तैयारी करने का प्रयास कीजिए। रही बात बाल मनोविज्ञान की और गणित की, तो बाल मनोविज्ञान और गणित, गणित में बाल मनोविज्ञान ऐसा टॉपिक है जिसके आप जो है अवधारणात्मक समझ, इसमें अवधारणात्मक समझ विकसित करने का प्रयास कीजिए। अभी हम इस पर चर्चा करते हुए बताएंगे कि अवधारणात्मक समझ वास्तव में क्या होता है, किसी भी विषय के बारे में एक ऐसी क्रमागत समझ पैदा करना जिससे कि उस पर पूछे जाने वाले सवाल पर आप 3 लाइन 4 लाइन में आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं या 50 शब्दों में 100 शब्दों में आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वह होता है अवधारणात्मक समझ यानी कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये डेवलप करने की आवश्यकता है क्योंकि यहां से 3 प्रकार के सवाल अक्सर पूछे गए हैं। एक तो तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित जिसमें किताबों के नाम और परिभाषाएं पूछी जाती हैं, किताबों के नाम और परिभाषाएं इसमें आप परीक्षा में देखेंगे पूछी जाती हैं। दूसरे टाइप के सवाल अवधारणाओं पर भी आते हैं, यहाँ पे अवधारणात्मक समझ के सवाल आते हैं, जैसे आपको एक इसमें टॉपिक मैं बाल मनोविज्ञान का सेलेक्ट कर लेता, कोई भी टॉपिक जैसे वृद्धियों विकास, वृद्धियों विकास ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी तरीके से अवधारणात्मक समझ पर आधारित है। वृद्धि एक ऐसे परिवर्तन की तरफ संकेत करता है जिसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, किसी व्यक्ति का वजन यह एक वृद्धि है, किसी व्यक्ति की लंबाई एक वृद्धि है, क्योंकि इन दोनों ही चीजों को हम वजन कर सकते हैं, इसे तौला जा सकता है या लंबाई को हम फीट या सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, तो इस तरीके से ये वृद्धि होता है। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो गुणात्मक होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर के, समझदारी को लेकर के, तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो विकास की श्रेणी में आती हैं, जिससे जो अमूर्त होता है, जिसको नापा तौला नहीं जा सकता है, वह विकास की श्रेणी में आता है, यानी कि यह गुणात्मक परिवर्तन की तरफ व्यक्त करता है। वहीं पर वृद्धि जो है वह परिमाणात्मक होता है, उसे हम नाप तो सकते हैं लेकिन गुणों को नापा तोला नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से अवधारणात्मक समझ की आवश्यकता है, अर्थात आप इन तीनों टॉपिक की एकदम बेहतर तैयारी करने का प्रयास करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से आपको ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरने का प्रयास करना होगा, ज्यादा से ज्यादा अंक आप अपने मार्कशीट में लाने का प्रयास करेंगे जो कि आपके टोटल मार्क्स को 100 या उससे अधिक नंबर बनाने का प्रयास करेगा। और बाल मनोविज्ञान की जहां तक बात है तो बाल मनोविज्ञान आपके सिलेबस पर आधारित टेक्स्ट बुक होना चाहिए, उसकी बेहतर ढंग से तैयारी होनी चाहिए, अवधारणात्मक समझ विशेष रूप से विकसित होना चाहिए। यहां पर जैसे एक सवाल यह भी पूछ सकता है कि एक शिक्षक को कक्षा में अध्यापन करने के दौरान किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। 4 प्रकार के पॉइंट्स इसमें बनते हैं, एक एक उसमें क्वेश्चन मार्क के लिए बनता है कि अनुशासन, दूसरा है किताबी ज्ञान, तीसरा है बच्चों की अधिगम और चौथा है अवसंरचना। एक 2 3 4
ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के विकल्प इस रूप में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ऐसे सवालों की अधिकता देखी गई है परीक्षाओं में, तो ये भी क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ पे आधारित है। ये आप इस सेक्शन की तैयारी करने के दौरान एक समझ पैदा करने का प्रयास करेंगे, टेक्स्ट पर आधारित पूर्व के क्वेश्चंस भी बार बार आप हल करने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप इसमें स्वयं देखने में समझ में आ रहा है कि बच्चों की अधिगम क्षमता पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, एक रणनीति डेवलप की गई आधुनिक समय में बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली इस बात पर बल देती है कि शिक्षक को हमेशा बच्चे की स्थिति, बच्चे के अधिगम स्तर, बच्चे की समस्याएं, कुछ समस्यात्मक बच्चे भी होते हैं, कुछ विशिष्ट योग्यता वाले बालक होते हैं, तो हमें बच्चों को ध्यान में रख के काम करना होगा। अगर ये बालक है तो सारी चीजें जितनी भी होंगी व्यवस्थाएं वहां पर वो बाल केंद्रित होगी, वो बाल केंद्रित होगी, अर्थात यहाँ विकल्प में बच्चे को विकल्प में रखा गया है। उसके अधिगम का मतलब होता है लर्निंग लेवल, लर्निंग लेवल, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है मतलब सीखना। तो बच्चा जो सीख रहा है हमें उस प्रोसेस पर ज्यादा जोर देना है। हमारे पूरी टीचिंग प्रणाली का ये उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए। बच्चे को अगर समझ में नहीं आता तो हमारी पूरी टीचिंग का कोई निहितार्थ नहीं है। अर्थात इस प्रकार के सवालों का जवाब आप अवधारणात्मक समझ से दे सकते हैं, अर्थात उस पर आपकी एक सामान्य समझ होनी चाहिए, आपके पास एक निष्कर्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे। इन तीन विषयों के साथ में हमने बाल मनोविज्ञान की चर्चा इस रूप में कर दिया। रही बात गणित की, लास्ट क्वेश्चन जो कि फैक्चुअल एकदम पूछा जाता है, इसमें आपको जो भी टॉपिक समझ में आता है, टॉपिक इसमें 12 से 14 टॉपिक निर्धारित कर दिए जाते हैं, परंतु प्रत्येक कैंडिडेट को, प्रत्येक विद्यार्थी को 2 से 3 टॉपिक ऐसे होते हैं जो उसको आसानी से आते हैं और उससे संबंधित सवालों को हल कर सकता है। तो इसमें मान के चलिए 30 सवाल है, अगर वो एग्जाम में 30 में 10 क्वेश्चन, अगर उसने 10 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हल किया, आपको पहले प्रयास में गलत सवालों को टच नहीं करना है, केवल उन्हीं सवालों पर अपने फोकस को देना है जो आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं। हल करने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं जो कि विकल्प के रूप में आपको प्रश्न पत्र में दिखाई पड़ेगा। मान के चलिए आपने 10 क्वेश्चन इसमें से हल कर लिया, बचा आपके पास 20 सवाल। अब आपको यह देखना है इन 20 सवालों में, 10 सवालों में जो आपने हल किया है उसमें से कौन से विकल्प अभी तक ज्यादा सही है, कौन से विकल्प अभी तक यहां पर ज्यादा सही है। कोई इसमें से 2, 1, 5 और 2 इस रूप में मान के चलिए आपके पास विकल्प प्राप्त होते हैं। अगर मान के चलिए कि ये विकल्प जो है बी है, ये सी है, ये ए है, ये डी है, अब आप ये सुनिश्चित हो लीजिए, आप ये सुनिश्चित हो लीजिए कि जो शेष 20 सवाल आपके पास बचे हुए हैं उनमें जो विकल्प ए, यह विकल्प जो है यानी कि सी विकल्प अभी तक केवल एक सवाल सही है, तो इन 20 क्वेश्चन में सी विकल्प होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें से ये अन्य विकल्प जो है वो ज्यादा संख्या में अभी तक सही हो चुके हैं। 5 क्वेश्चन हमारा बी सही हो चुका है, तो हमें बी क्वेश्चन को नहीं करना है, अर्थात आप सी क्वेश्चन को अगर आप वहां पर तुक्का लगाना चाहते हैं जिसको कहा जाता है सामान्य भाषा में, क्योंकि नहीं आ रहा है कुछ नहीं से तो कुछ सही, तो कुल मिलाकर के आपको माइनस मार्किंग की स्थिति ना होने पर सभी विकल्पों को किसी न किसी तरीके से हल करना ही है। तो अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से तुक्का लगाने में भी एक स्ट्रेटजी का आप प्रयोग कर सकते हैं कि अभी तक जो आपने किया है उनमें से जो विकल्प ए बी सी डी में से जो विकल्प अभी तक सबसे ज्यादा हुए हैं उनको छोड़ करके जो विकल्प सबसे कम हुए हैं उस विकल्प को कीजिए, क्योंकि उन शेष क्वेश्चंस में से उस विकल्प के सही होने की संभावना प्रबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहां 20 में आप 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन और सही कर पाएंगे, तो 10 आपने पहले सही किया, 4 अगर सही हुआ तो 14 क्वेश्चन कम से कम आप गणित में सही करके आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रिक भी आपका साइंटिफिक होना चाहिए,
आपकी समझदारी पर आधारित होना चाहिए। पूरे प्रश्न पत्र के दौरान आप अपने शारीरिक और मानसिक मनोदशा को एकदम पूरी तरीके से सेंटर्ड कीजिए पेपर पर। एक एक मिनट का अपने दिमागी तौर पर उपयोग कीजिए और परीक्षा को सफल होने का इससे बेहतर और कोई माध्यम नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप किस तरीके से स्ट्रेटजी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में आपको इन नियमों का अनुपालन करना है क्योंकि एक ऐसी परीक्षा है जहां पर कई प्रकार के सेक्शन से यानी कि 5 सेक्शन से सवाल पूछे गए हैं और अगर आप उन पांचों सेक्शन से एक एक दो दो सवाल आप इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे तो दो दो सवाल के 5 सेक्शन से 10 क्वेश्चन बनता है जो आपके न केवल पास होने बल्कि पास होने के बाद अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का एक बेहतर आधार पैदा करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने स्ट्रेटजी पर किस तरीके से चर्चा किया। आप इसे अपने परीक्षा की तैयारी के दौरान और परीक्षा के दौरान इसको उतारने का बेहतर प्रयास करेंगे। ऑर्डर भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी ही मानी जा सकती है लेकिन इसको अलग से यहां पे बिंदु में लिखा गया है जिसपे आपको ध्यान में रखना है कि परीक्षा में जो 5 सेक्शन बने हुए हैं उन 5 सेक्शन पर आपके पास एक दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए कि आप एक ऑर्डर में उन क्वेश्चंस को करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि जो ऑर्डर मैंने आपको बताया वही ऑर्डर आपको एग्जाम में हो लेकिन आपको वो ऑर्डर अपनाना होगा जो सबसे सरल से सबसे कठिन की तरफ होता है। ये आपके टीचिंग का एक मेथड भी है और आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को भी इसी पैटर्न पर सॉल्व करना है। जैसे इसमें सबसे पहले आप हिंदी एक ऐसा विषय है जो अभी तक जितने भी प्रश्न पत्र अभी तक आयोजित किए गए हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा हो और या तो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा दोनों में हिंदी का प्रश्न पत्र रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से तुलनात्मक रूप से अभी तक सरल आए हैं तो आप नंबर एक पर इसे आप रखेंगे। यह हिंदी का सेक्शन पूरे प्रश्न पत्र में कहीं भी हो सकता है आपको करना यही है खोजकर। दूसरे नंबर पर आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका जो भी हिंदी या अंग्रेजी में है तो दूसरी भाषा आपको करना है जो भी हिंदी संस्कृत या अंग्रेजी आपने ले रखी है और यह एक ऐसा विषय होगा जो आपकी इच्छा अनुसार होता है और आपके अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का आधार होता है। तो इन दोनों ही विषयों में आपको पर्याप्त प्रयास करना होगा कि अच्छे मार्क्स मिले। तीसरा आपको तीसरे पॉइंट पर पर्यावरण सेक्शंस को करना होगा। पर्यावरण सेक्शंस को करना इसलिए है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें ज्यादातर कैलकुलेशन या इस प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो यहाँ के 30 क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए कि 10 से 12 मिनट में अधिकतम ये किया जा सकता है ये क्वेश्चन तो आपके लिए समय बचाने का आधार होगा। और जब आप इन तीनों ही सेक्शन से क्वेश्चन बचा लेंगे समय बचा लेंगे पर्याप्त क्वेश्चन को हल करने के बाद तो उन समयों का प्रयोग आप बाल मनोविज्ञान जो कि विश्लेषणात्मक प्रकृति के क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पे आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और जब आप यहां पर 90 क्वेश्चन आप पहले ही हल कर चुके होंगे तो लास्ट के 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा और 60 क्वेश्चंस में आप अपनी पूरी समय शक्ति संसाधन ऊर्जा को उसमें झोंक पाएंगे और इसके माध्यम से आप अपने अन्य क्वेश्चंस को जो कि इन दोनों सेक्शंस बचे हुए सेक्शंस यानी कि बाल मनोविज्ञान और गणित इन दोनों सेक्शंस में अच्छे तरीके से दे पाएंगे। क्योंकि गणित के क्वेश्चंस ये सुनिश्चित हो लीजिए कि कम समय अगर है तो आपके क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन वहां पर गलत होंगे इसलिए हमें इन सेक्शंस से समय बचाना होगा। इसलिए समय का प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है तो बाल मनोविज्ञान को आपको 4th नंबर पर करना होगा और 5वें नंबर पर आपको गणित करना होगा। गोला उसमें बबल फिल करते हुए जो गोलाई है उसको भरने के लिए काले रंग से भी आपको अत्यंत ही सावधानी यानी कि प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर अगर 15 है तो इस 15 नंबर को देख करके ही जो है OMR शीट के 15 नंबर को गोला करना इन दोनों में तारतम्य होना बहुत आवश्यक है। कई स्टूडेंट के माध्यम से ये बार बार शिकायतें की गई कि उनका लगातार 3 क्वेश्चंस दूसरे गोले बबल फिल हो गए। ऐसी स्थिति में ये सारी गलतियां आपको प्रैक्टिस करने के दौरान अपने कमरे पर अपने आवास पर गलती करना एग्जाम में ऐसी गलतियां छम में नहीं होती हैं ये आपको ध्यान में रखना है। गोला भरते समय भी आपको एक एक क्वेश्चंस को गलत होने से बचाना है। तो इस तरीके से जो ऑर्डर आपका है वो ये ऑर्डर होना चाहिए और इस ऑर्डर में आप अपने क्वेश्चन को पूरा करने का प्रयास करेंगे। हिंदी दूसरी भाषा जो भी जिसका अंग्रेजी या संस्कृत है फिर पर्यावरण बाल मनोविज्ञान और गणित। गणित के संदर्भ में स्ट्रेटजी मैंने बता दिया बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में स्ट्रेटजी बता दिया। तो परीक्षा में आपका ऑर्डर का मतलब परीक्षा में किस क्रम में आप सेक्शंस को सेलेक्ट करेंगे हल करने के लिए
है और बाकी गोला आप किसी भी क्रम में कर सकते हैं, लेकिन आपको गोला करते समय प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर और ओएमआर सीट के क्रमांक संख्या को मिलान करना बहुत जरूरी है। इस पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपके पास परीक्षा में क्वेश्चन को गलत करके सीखने के लिए कोई समय और विकल्प नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके लिए ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि क्रम निर्धारण के रूप में आता है। बार बार इसके संदर्भ में बुक्स का भी चर्चा किया जाता है, तो आपको इन पांचों सेक्शन पर आधारित स्टडी मटीरियल होना चाहिए। स्टडी मटीरियल के रूप में आप कोई भी बुक जो पूरे सिलेबस को कवर करता है, यूनि पब्लिकेशन की भी बुक इसमें लिया जा सकता है, यूनि पब्लिकेशन की बुक भी जो इसमें लिया जा सकता है, यूनि पब्लिकेशन की बुक आती है जो पूरे सिलेबस पर आधारित है, इसको आप बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं। बाकी कोई भी किताब आप पढ़ेंगे जो सिलेबस पर आधारित है वो आपकी मदद करेगी, बशर्ते वो पूरे सिलेबस को कवर करती हो। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस टेक्स्ट बुक पर आधारित पूर्व वर्षों के हर प्रश्न पत्र, पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र, पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बुक्स के अंतर्गत आपको ये दोनों ही टॉपिक से संबंधित, आप जिस भी सेक्शंस की पढ़ाई कीजिए उस पर आधारित जो वहां पे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो वो आप कीजिए, और पूर्व वर्षों के हल प्रश्न पत्र उस विषय से संबंधित जो भी क्वेश्चन अब तक आए हैं उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसको करने से आपको दो जानकारी होगी, एक तो उसके विषय की एक तैयारी भी होगी और दूसरा उस प्रश्न पत्र के स्तर के बारे में जानकारी होगी कि वो किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और स्टैंडर्ड को आप समझे बगैर किसी भी परीक्षा को मात्र नहीं दे सकते हैं, इसलिए स्टैंडर्ड को समझने के लिए आपको पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना कंपलसरी ही है। तो आपको पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करना है, यूनि पब्लिकेशन या कोई भी ऐसी पब्लिकेशन की बुक जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है वहां से संबंधित बुक्स का भी आपको अध्ययन करना होगा। तो इस तरीके से ऑर्डर और बुक पर भी चर्चा हो गई। उपयोग का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से शासन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, आप लोगों को 50,000 की भर्ती प्राथमिक विद्यालयों में और इसी तरीके से लगभग 4,500 की भर्ती जूनियर हाई स्कूलों में आगे देखने को मिल सकता है, जहां पर इन दोनों ही परीक्षाओं टेट और सीटेट के चरण को क्रॉस करने के बाद, पार करने के बाद आप यहां पर पहुंचेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, इन स्ट्रेटजी का जो पालन करते हुए, आप अपनी तैयारी को जो भी समय बचा हुआ एकदम पर्याप्त, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। समय अगर सदुपयोग किया जाएगा तो पर्याप्त है, बर्बाद करने के लिए पूरी जिंदगी का समय आप लोगों के लिए कम पड़ सकता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं और विश्वास भी करता हूं कि इन सभी प्रकार के डिस्क्रिप्शन और जो है एक्सप्लेनेशन से आपको बेहतर समझ पैदा हुई होगी, और उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी के दौरान इन सभी बिंदुओं को प्रयोग में लाने का प्रयास करेंगे। पुनः एक नए क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।